हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ऑडियोलॉजी सेल्फी फोरम में। एक्चुअली दोस्तों, मैं अभी बाहर हूँ और इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। सो आज का ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि BASLP और MASLP के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म्स भी आ गए हैं। तो आज इसी पर बात होनी है और सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि BASLP में कितनी सीटें हैं या क्या एलिजिबिलिटी है और फॉर्म कहाँ कहाँ से अप्लाई करना है आपको, और MASLP में भी इसी तरह है। सो पहले बात करते हैं एक फेमस इंस्टीट्यूट AYJNIHH यानी अली आवर यंग इंस्टीट्यूट के बारे में और वहाँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है AYJNIHH और इंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो पहली ऑफिशियल साइट आपको मिलेगी AYJNIHH.NIC.IN पे आपको क्लिक करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जाना है एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन पे और यहाँ पे जाके आपको एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखते हैं आ गया होगा। हाँ, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 इस टाइप के दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 और 2 में आपके एडमिशन टाइप की नोटिफिकेशन दी हुई हैं और यहाँ पे आपको PDF का फॉर्मेट दिखा रहा है डाउनलोड करने के लिए। ये देखिए 1 और 2, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो ये दोनों डाउनलोड हो चुके हैं मेरे। सो पहला खोलते हैं। ओके, सो इसमें आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो AYJNIHH में चलाए जा रहे हैं और जो आप कर सकते हैं वहाँ से। तो इसमें देखिए पहला ही दिया हुआ है आपका MASLP मुंबई एंड कोलकाता में, दूसरा है MSc ऑडियोलॉजी सिकंदराबाद से, और बाकी के जो नीचे दिया हुआ है 4th नंबर पे आपका दिया हुआ है BASLP बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी मुंबई कोलकाता एंड सिकंदराबाद में। और उसके नीचे अगर आ जाते हैं तो अपने काम में देखें तो 6th नंबर पे देख सकते हैं आप डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच यानी DHLS, जो आपका डिप्लोमा कोर्स है, ये 10th मंथ का होता है, 10 मंथ का होता है, ये नोएडा जनरा एंड भोपाल में ये है। सो इस तरह के कोर्सेज में हैं और कई सारे कोर्सेज हैं जैसे कि BEd, MEd, ये सब यहाँ पे करा जाते हैं। फिलहाल हमको BASLP और MASLP से अभी मतलब है। सो इसमें देख सकते हैं कि आपका कोर्स का नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी PDF के ऊपर। सो दूसरी PDF में देखते हैं क्या उन्होंने दिया है। ओके, अच्छा, सो दूसरी PDF में इन्होंने पूरा ब्रॉड कर दिया है इसको पूरा। तो उसमें पहला दिया हुआ है इन्होंने MASLP का, जो कि इसका सेंटर है मुंबई में, जिसमें कि आपकी सीट्स हैं 19 और इसका ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का, यानी 2 साल का MASLP है, वो तो होता ही है, जाहिर सी बात है। और इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी MASLP करने के लिए आपको पहले BASLP करना होगा। ये तो सब जानते हैं कि मास्टर डिग्री करने के लिए आपको पहले बैचलर डिग्री करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी नीचे कैटेगरी दी हुई है कि आपको अगर 50% मार्क्स मिले हैं, ठीक है, BASLP में, ये जनरल OBC के लिए, और 50% मार्क्स जो हैं वो SC और ST के लिए हैं, ठीक है। तो नहीं, ये कैटेगरी रख दी है, कोई नहीं, अच्छी चीज़ है। फिलहाल मोड ऑफ एडमिशन दिया हुआ है इसमें, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका MASLP में एडमिशन होना है। सो नीचे देख लेते हैं, 2nd नंबर पे मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी यानी MASLP अगर करना है आपको कोलकाता से, तो इसमें भी इसी तरीके का कुछ इंटरफेस दिया हुआ है, 2 ईयर्स का है, ये भी जानते हैं। फिलहाल इसमें सीट्स जितने भी हैं वो 15 हैं, आप देख रहे हैं 2 नंबर पे 15 सीट हैं, ठीक है। तो टोटल अगर 15 सीटें हैं और इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, BASLP मांग रहे हैं, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, यहाँ पे आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद MSc ऑडियोलॉजी आ जाते हैं, जो कि सिकंदराबाद वाला है, यहाँ पे टोटल सीट्स हैं आपकी 12 यानी 12 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं MASLP के लिए, जो कि 2 साल का कोर्स है। और इसमें भी इसी तरह के रिक्वायरमेंट है, जैसे 55% जो मार्क्स होने आपके चाहिए जनरल OBC के लिए और 50% मार्क्स चाहिए आपके SC और ST के लिए BASLP में। फिलहाल इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सो अब मेन बात करते हैं आपकी, जो लोग BASLP करना चाहते हैं,
बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। सो ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और नोएडा, देखिए चार जगह हैं, ठीक है। तो ध्यान से बात सुनिएगा, मुंबई में आपकी 23+15 सीट्स यानी 38 सीट्स हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका कोलकाता, कोलकाता में आपकी 31 सीट्स हैं, सिकंदराबाद में आपकी 31 सीट्स हैं, नोएडा में आपकी 20 सीट्स हैं। सो ये सीट्स के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी सीटें हैं यहाँ पे। देखिए इसके आगे लिखा है आपका 4 ईयर्स, यानी ये 4 साल का कोर्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। उसके बाद आपका जो ये पहला है मुंबई सेंटर के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़। अगर आपको मुंबई में यानी AYJNIHH की 4 ब्रांच हैं, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, ठीक है, और नोएडा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई सेंटर के लिए, ठीक है, मुंबई सेंटर के लिए आपको 10+2, ठीक है, पास्ट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग, बायोलॉजी या लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और साइकोलॉजी, या 50% मार्क्स मांगते हैं इसमें जनरल OBC के लिए, और 45% SC/ST के लिए, यानी टोटल मिला के आप ये समझिए कि मुंबई सेंटर में आपका 10+2 मांग रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री कंपलसरी है, और जो आपका एनी वन फॉलोइंग लिखा हुआ है इसमें से आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या साइकोलॉजी, इस तरीके से होनी चाहिए। इसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC के लिए, और 45% जो मार्क्स होने चाहिए ये आपके SC के लिए होना है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। तो अगला अगर आपका आता है इसमें फॉर कोलकाता सेंटर, इसमें भी मांग रहे हैं इस टाइप का 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना चाहिए ही, साथ में बायोलॉजी आप लिख मैथमेटिक्स लगा हुआ है, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश या एनी अदर 5th सब्जेक्ट लिखा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि ये कंपलसरी है, उसके बाद बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, इसमें ये चल जाएगा आपका। और दूसरा दे रखा है कि उन्होंने 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी इसमें एज भी दे रखी है कि आपका 17 साल की एज होनी चाहिए 31 मार्च-दिसंबर तक, ठीक है, और इसमें 50% जो मार्क्स होने चाहिए ये जनरल के लिए, और 45% ST/ST के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सिकंदराबाद, जो कि इसमें 10+2 मांग रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में, और इसमें भी उसी तरह का है कि बायोलॉजी मांग रहे हैं, मैथमेटिक्स मांग रहे हैं, सॉरी बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद या फिर साइकोलॉजी, इसमें भी इसे दे रखा है कि 50% मार्क्स होने चाहिए या कि 45% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी देखिए किस तरह का है, इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली IPU जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। सो हो सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम यहीं पे आपको देना पड़ेगा, फिलहाल ये एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। सो अब अगला आपका आता है 6th नंबर पे DHLS, यानी आपको अगर ये ज़्यादा हो गई है या BASLP नहीं कर पा रहे हैं, सो इसका 10 मंथ का एक कोर्स और है जिसमें आपको डिप्लोमा दिया जा रहा है, डिप्लोमा डिग्री दी जा रही है, सॉरी डिग्री या बोलूँ उसको डिप्लोमा ही है, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, DHLS नोएडा जलान भोपाल, ठीक है। तो इसमें नोएडा में आपकी हैं 31 सीट और जनला में है आपकी 31 सीट्स, भोपाल में है आपकी 30 सीट्स। देखिए इसमें 1 ईयर लिखा हुआ है, 12 मंथ, यानी जाहिर सी बात है 10 मंथ का है फिलहाल ये, और इसमें 10+2 मांग रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना है PCB या PCM, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, तीन चीज़ें आपकी होगी, MASLP हो गया, BASLP हो गया और DHLS हो गया, ये तीन चीज़ें आपकी हैं। MASLP आप तभी कर सकते हैं जब आपने BASLP किया हो, ठीक है, और आप BASLP में ऐसी कोई चांस नहीं है कि इसमें आपको DHLS करना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल डिप्लोमा आप कर सकते हैं, BASLP आप कर सकते हैं, और MASLP करने के लिए आपको BASLP पास करना जरूरी है। तो डिप्लोमा में भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ RCI इसमें लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। सो ये AYJNIHH की ये स्कीम थी जिसमें आपको एडमिशन के लिए सब कुछ बता दिया है। सो अब बात करते हैं कि आप एडमिशन फॉर्म कहाँ से अप्लाई करेंगे, सो इस पर भी एक बार बात हो जाए, तो चलते हैं एडमिशन। सो सिंपल सा रूल है कि आप
जब भी एडमिशन यहाँ पे अगर लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है AYJNIHH में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, सॉरी यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा AYJNIHH ई प्रवेश, AYJNIHH ई प्रवेश। ठीक है, तो इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है, यानी आपको लिख के गूगल पे सर्च कर देना है। तो इसमें आपका आ जाएगा जो पहली साइट आपकी आएगी AYJNIHH.eprawesh.com, ये आपकी ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये एडमिशन के लिए बनाई गई है, बहुत ही अच्छा उन्होंने कर रखा है, ताकि उनको अलग एक सर्वर दे रखा है ताकि साइट पे भी ओवरलोड ना हो। सो इसमें भी बहुत अच्छा तरीका दे रखा है, इसमें आपको डायरेक्ट जाना है आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2019-20 पे। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए नीचे एडमिशन नोटिफिकेशन 2019-20 दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करके पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, चार जितने भी हैं कोई भी और सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें आपको पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको ये देखिए सब यहाँ पे सब दिए हुए हैं, अप्लाई ऑनलाइन। तो ये आपका दिया हुआ है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी यानी BASLP का, यहाँ पे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से MSc ऑडियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखो नीचे दिया हुआ है आपका MSLP के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा वालों के लिए नीचे दिया हुआ है डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच 2019। सो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। सो इसको मैं आपको एक ओपन कर भी दिखा रहा हूँ। ओके, तो चलिए ठीक है, देखिए BASLP के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, आपको एक अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे अपना मनपसंद पासवर्ड चूज कर लीजिए, यहाँ पे अपना कन्फर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पे नीचे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, ठीक है, उसको डाल के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, सो उसको ठीक है, तो उसके बाद आप ओपन करके आप यहाँ पे सारी सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा आपको कोर्स चूज करना है। ठीक है, और कोर्स चूज करने के बाद वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपनी फीस सबमिट करके सीधे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये था एक प्रीव्यू, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपकी दी हुई है अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ये आपकी डिसबिलिटी का ये दिया हुआ है, और ये आपका साइट का नेम है aliyawarjung.eprawesh.com, ये ध्यान रखिएगा यही साइट है जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, मतलब एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, सो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉलेज के एक नए एडमिशन फॉर्म के साथ, जहाँ पे आपको BASLP और MASLP की सुविधा मिल जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि जल्द से जल्दी वीडियो बना सकूँ इन सब बारे में, कि ये तो मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, नोएडा वगैरह हो गया, जो आपको लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब चीज़ों में यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए जो आसानी से मिल सके कॉलेज में वो ढूंढता हूँ, फिर वहाँ पे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, सो मैं जल्द से जल्द की वीडियो फिर बना रहा हूँ उस पर, और ये आप लोग देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।